सोनम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपकी दिलजीत के साथ तीसरी फिल्म है ना सोनम? हाँ जी। तो जब आप फिल्म साइन करती हैं तो फिल्म जो है वो स्क्रिप्ट देख के पसंद करती हैं कि दिलजीत को देख के पसंद कर लेती हैं? पता है कि दिलजीत है तो फिल्म सुपर डुपर हिट है। स्क्रिप्ट देख के करती हूँ, बट पता होता है दिलजीत है तो फिर ऑटोमेटिकली पसंद आ जाती है। ये तो है। और कुछ चाय वगैरह आप लेंगी? नहीं थैंक यू। कोई ग्रीन टी वगैरह? नहीं थैंक यू। मैंने सुना आप पूरा जग भर के पीती हैं ग्रीन टी। किसी ने बोला है कि ऐसे जग भर के, मुझे पता नहीं है कि पूरा जग एक साथ पीती हैं या थोड़ा थोड़ा निकाल के पीती रहती हैं। नहीं मैं एक ही बार जग बनवा लेती हूँ और फिर बारी 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 पी लेती हूँ। जग सामने होता तो मुझे याद रहता है हाँ पीना है। तो मतलब ग्रीन टी को बढ़ावा दे रही हैं आप। पाजी एक बात आपके बारे में सुनी कहते हैं, आप बचपन में बाल्टी भर के शरबत पीते थे, पता नहीं इसमें कितना सच्चा है कितना झूठ है। नहीं पाजी बाल्टी भर के नहीं पीता था। अच्छा जी। एक्चुअली जब मेहमान आते थे घर पे तो बाल्टी में रूह अफ़ज़ा बनता था। अच्छा। हाँ तो तब टेंशन रहती थी कि अगर सारा खत्म हो गया तो मतलब वही तो कितनी देर बाद बनता था रूह अफ़ज़ा, कौन सा रोज बनता था ना? जी। तो बड़ी टेंशन होती थी कि यार ये सारा ना पी जाए, हाँ छोड़ दें, बर्फ रह जाए, ठंड गर्म ना हो जाए, इसकी भी बहुत टेंशन होती थी। और फिर जब एक फिर जब वो जाते थे तो 5-10 रुपए देते थे ना, तो मम्मी इज लाइक नहीं 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 मुंडे नहीं चाहिए, नहीं तू नहीं लेना, तू नहीं लेना ना। इस लाइक में चलो कोई नहीं, दे दो देना। अरे दिलजीत ने इस फिल्म में जो ड्रेस पहनी है, ओए होए होए। हाँ जी पाजी 11 किलो की ड्रेस है वो? हाँ 11-12 किलो की। मैंने देखा काफी टाइट ड्रेस है। बहुत टाइट है भाई। ऊपर से जिप वगैरह भी उसमें कोई नहीं लगी। नहीं, 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 भाई। तो सुपर हीरो को नेचर कॉल आ जाए तो फिर कैसे करते थे मैंने? दो बंदे साथ में मिले ड्रेस के, वो पैंट पहनाते थे। अच्छा। तो पैंट के हाथ यहाँ तक तो जाता नहीं था ना, तो दो बंदे हर, और मैंने इनको बोला था भाई 1.5 घंटे बाद मैं सूट उतार दूंगा क्योंकि सांस नहीं आती थी उसमें। अच्छा। और एक ऊपर से पंजाबी फिल्में हैं तो बजट कम है, तो पता नहीं मुझे लगता वो टायर वायर काट के ट्रक के उनको उसका सूट बना दिया मेरा इन्होंने। इतना हैवी था, सांस नहीं आती थी, लेकिन फिर भी चलो काम है और पंजाब का सुपर हीरो बनना है तो मैं कहा चलो ये तो करना पड़ेगा। तो पहला पंजाबी सुपर हीरो दिलजीत। पाजी जैसे हमारे बचपन में सबका कोई ना कोई फेवरेट सुपर हीरो होता है। हाँ जी भाई। जैसे हमारा तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तो गरीबी के हिसाब से मोगली था मेरा। फिर शक्तिमान। आपका कोई शक्तिमान? शक्तिमान। शक्तिमान आप भी पसंद करते थे और आप इतने अच्छे सिंगर हैं, तो बॉलीवुड में आपका कोई फेवरेट सिंगर था पहले? एक ही सिंगर हमेशा फेवरेट रहे, गुरदास मान साहब। क्या बात है। इस फिल्म में सुपर सिंह में दिलजीत के पास सुपर पावर्स हैं और सुपर पावर्स के चलते ये जनहित के लिए काम करते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, सुपर हीरो करना चाहिए। पाजी अगर रियल लाइफ में आप में कोई सुपर पावर्स आ जाएं तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा मैं बहुत सारा मैं खाऊं, खाता जाऊं खाता जाऊं खाता जाऊं, और उसके बाद फिर ऐसे एब्स। तो स्वीट पंजाबी भोले आदमी, छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं खाता जाऊं और ये ना करना पड़े। सोनम आपको सुपर पावर्स दे दी जाए तो आप क्या करना चाहेंगी? एक तो मैं यही करूंगी। अच्छा। जितना मर्जी खाऊंगी। नहीं खाती है ये, जो खाने के साथ खाते हैं ना वो खाती है, सलाद खाती है। क्या? अब नहीं खाता। सलाद ही खाती है। हाँ तकरीबन वही होता है कि हीरो हीरोइन को यही होता है कि हमारा वजन भी ना बढ़े, हम खा भी लें। कि छोटी सी विषय है हमारे दर्शकों से जितने भी हैं, मैं जानना चाहूंगा आपको अगर सुपर पावर्स मिले तो आप उनका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहेंगे, आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे जो भी आपके दिल में आए। जी मैम। सर मेरा नाम रजनी है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। सर मैं चाहती हूँ कि मेरे में ऐसी सुपर पावर आ जाए कि मैं कुछ मुझे घर का काम ना करना पड़े। तकरीबन सब आलस आलस वाले ही मिल रहे हैं करेक्टर। कुछ ना करना पड़े। सर आलस नहीं है, जब मेरे बच्चे घर में आए, जैसे मेरे पति घर में आते हैं तो सारा खाना अपने आप सारा खाना तैयार हो जाए, अपने आराम से बैठ के सिर्फ आपका शो देखती रहूं और आपकी पिक्चर देखती रहूं बस। तो आप ये भी तो कर सकती हैं कि सुपर पावर आ जाए अपने पति को ही पत्नी बना दें। सर नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकती। सर नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो आप हाउस वाइफ हैं सर? अच्छा। तो भाई साहब भी आए साथ में? जी सर। कैसे भाई साहब? भाई साहब क्यों इतना काम करवाते हैं, जो मन में देखिए उनके उनके क्या क्या साजिशें चल रही हैं, उनको इतना काम करवाते हैं आप? बिल्कुल कुछ नहीं करवाते हैं, पहले ही उनके पास सुपर पावर्स हैं, आप देख सकते हैं। वो तो है, बीवी तो होती सुपर पावर ही है। जी जी। आपको अगर सुपर पावर आ जाए आप में कोई, आप क्या करना चाहेंगे? सुपर पावर आ जाए तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि पत्नी एक ऊपर वाले का यानी जो जीवन साथी है, एक गिफ्ट है जी, जो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आके आपका परिवार संभालती है, आपका परिवार बनाती है, तो उसी को रीपे करना चाहूंगा इन वट एवर वे आई कैन डू इट। सो स्वीट। ये आपका प्यार है कि डर के मारे कह रहे हैं आप? दोनों है जी। क्या करते हैं सर आप फरीदाबाद में? जी मेरा बिजनेस है छोटा सा। अच्छा जी जी।
चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद जी। यस यस ब्रदर। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो दिलजीत सर। हेलो ब्रदर। अगर मुझे सुपर पावर मिले तो मैं जब मेरा दिल चाहे तब मैं किसी का भी रूप धारण करना चाहता हूँ। किसका? जब जैसे कि अभी कोई दुकान में गया तो जो दुकान मालिक है उसका रूप धारण कर लिया और उसके पास से सब सामान मुफ्त में लेके चला गया। ये तो चोरी होगी ना बेटा फिर। वो ये अपने हिसाब से डिफाइन किया उन्होंने। सुपर पावर आपको दी जा रही है, मतलब ऐसा ख्याल हम सोच रहे हैं, बड़ा सोचो कुछ और, इससे बड़ा कुछ करना हो तो क्या करोगे? सर एक तो आप खुद सुपर हीरो हो, आप सबको अच्छे अच्छी तरह से हंसाते हो, सबको डिजीज और सबसे प्योर करते हो, सबसे बड़े सुपरस्टार तो सर आप ही हो। अच्छा आदमी सामने से तारीफ कर दे ना उसको, आप ज्यादा बोल भी नहीं पाते कि अच्छा ठीक है। लव यू ब्रदर। क्या करते हैं आप, पढ़ाई करते हैं अभी? हां सर पढ़ाई। क्लास में 13 हैं? 13th कौन से होती है? जब 12th पास कर लिया था। ग्रेजुएशन कर रहे हो आप? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आर्टिस्ट एक तो वैसे ही फ्री में आए हैं, ऊपर से वंस मोर। नहीं पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं भाजी, पूरा पंजाब आप पर गर्व है हमें। और क्योंकि पाजी की बैकग्राउंड में पहले बात कर रहा था कि अमृतसर से है, इसीलिए इतने महाराज ने पागल है। प्यार है पाजी, आप भाइयों की दुआएं।